ये इसने छत पे करा होगा, छत पे बैठे होंगे ना भैया। विक्रम सिंह निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख है, मई की हो गई है, और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी और शाम रात तक कल से जो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आज और कल जो है दिन तक जो है जो एक्टिविटी वो बनी रहेंगी, अभी भी हल्की से मध्यम बारिश है वो मिलेगी, और साथ ही जो ओलावृष्टि है पहाड़ों में कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो है स्क्वाल भी है तो वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पहाड़ों में। और प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर भी चाहे ओलावृष्टि है या तेज़ हवाएं झक्कड़ है जिसकी स्पीड जो है जैसे 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग और 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती, जिसमें कि पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को डैमेज, तो इस तरह की चीज़ कहीं कहीं पर देखने को अभी देखने को मिलेगी आज भी, और ये कल दिन शाम तक ये चीज़ें रहेंगी भी जो है। तो ये दो दिन है जिसमें कि थोड़ी एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगी, और इसमें जो प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय थंडरस्टॉर्म चल रहा है तो उस समय आप मूवमेंट की कोशिश ना करें, सेफ जगह पर रुकें थोड़ी देर, क्योंकि जो एक्टिविटी है एक आध घंटा ही किसी लोकेशन पर चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, आगे को निकल जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। और जो पहाड़ों में जा रहे हैं तो चारधाम लोकेशंस में तो इस समय तापमान काफ़ी डाउन हुए हैं, तो अपने जो तैयारी उसके साथ जाएं जिससे जो है ठंड से बचा जा सके। तो कल तक इसी तरह एक्टिविटी है, परसों से मौसम साफ़ होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे करीब करीब एक वीक जो है जो मौसम है वो करीब करीब साफ रहने वाला है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा, नमस्कार। ये इसने छत पे करा होगा, छत पे बैठे होंगे ना भैया। विक्रम सिंह निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख है, मई की हो गई है, और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी और शाम रात तक कल से जो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आज और कल जो है दिन तक जो है जो एक्टिविटी वो बनी रहेंगी, अभी भी हल्की से मध्यम बारिश है वो मिलेगी, और साथ ही जो ओलावृष्टि है पहाड़ों में कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो है स्क्वाल भी है तो वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पहाड़ों में। और प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर भी चाहे ओलावृष्टि है या तेज़ हवाएं झक्कड़ है जिसकी स्पीड जो है जैसे 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग और 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती, जिसमें कि पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को डैमेज, तो इस तरह की चीज़ कहीं कहीं पर देखने को अभी देखने को मिलेगी आज भी, और ये कल दिन शाम तक ये चीज़ें रहेंगी अभी जो है। तो ये दो दिन है जिसमें कि थोड़ी एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगी, और इसमें जो प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय थंडरस्टॉर्म चल रहा है तो उस समय आप मूवमेंट की कोशिश ना करें, सेफ जगह पर रुकें थोड़ी देर, क्योंकि जो एक्टिविटी है एक आध घंटा ही किसी लोकेशन पर चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, आगे को निकल जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। और जो पहाड़ों में जा रहे हैं तो चारधाम लोकेशंस में तो इस समय तापमान काफ़ी डाउन हुए हैं, तो अपने जो तैयारी उसके साथ जाएं जिससे जो है ठंड से बचा जा सके। तो कल तक इसी तरह एक्टिविटी है, परसों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे करीब करीब एक वीक जो है जो मौसम है वो करीब करीब साफ रहने वाला है। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा, नमस्कार।